एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बड़ी खबर जो है वो बताते हैं आगरा से, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक्सप्रेसवे पर कार सवार सभी लोग जिंदा जल गए हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है, कंटेनर से टकराकर कार हादसे का शिकार हो गई। कार सवार मदद मांगते रहे लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। घटना के एक घंटे बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। तो ये भयावह, ये दर्दनाक हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। दरअसल कार में सवार सभी लोग जिंदा जल गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये कार सवार मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन कोई भी इनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। नतीजतन एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई, नतीजतन इन सभी लोगों की जिंदा ये लोग जल गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। कंटेनर से दरअसल कार की टक्कर हुई थी और तभी इस कार में आग लग गई और ये कार धूं धूं कर जलने लगी। मौका नहीं मिला कार सवारों को कि वो कार से उतरकर अपनी जान बचा सकें, इसीलिए ये बड़ा और दर्दनाक ये भयावह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये दर्दनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर कार की कंटेनर से टक्कर हुई और कार में आग लग गई। कार में सवार जो लोग थे उन्हें मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकले और अपनी जान बचा सके। वो जलने लगे कार में और जब उन्होंने गुहार लगाई तो उन्हें मदद भी नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह बहुत ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और इस कार में सवार जितने भी लोग थे पूरी तरह उनकी ऑन स्पॉट जलकर मौत हो गई है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये हादसा है और आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जो ट्रक है, जो व्हीकल कैरिज ट्रक बोलते हैं जिनको, जिसमें वाहन भर के आते हैं, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसमें ये कार जो यूपी 32 नंबर की गाड़ी है, आप देख सकते हैं कि जो नेम प्लेट आपको नज़र आ रही है यूपी 32 यानी लखनऊ प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये गाड़ी है, उससे जाके हिट होती है और हिट होने के साथ ही इसमें आग लग जाती है और जलकर ये खाक होती है। जो गाड़ी का जो पूरा आउट स्ट्रक्चर देख कर पता चलता है जो गाड़ी है वो स्विफ्ट डिजायर नज़र आ रही है। कुल मिला के ये गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इसके साथ ही इसमें जितने भी लोग मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई है। 4:10 पे आपकी 4:06 जी आपको लगा आग की लपटें उठ रही होंगी? आग की लपटें उठ रही थी बहुत और करीब 3-4 बंदे आए ला रहे थे, हमें बचा लो हमें बचा लो। 3-4 लोग होंगे कुछ आप लोग कुछ कर नहीं पाए? कुछ नहीं कर पाए, बेसहारा नजर आए और इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। आग काफी तेज लगी थी इसकी वजह से कोई उसके पास नहीं जा सका, कोई नहीं सका। आग काफी लपटे बहुत तेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बहुत लेट आई हैं कि सुबह सुबह का माहौल है तो करीब 4 बजे के करीब ये घटना हुई है और जो पुलिस है वो करीब 1 घंटे बाद यहाँ पहुँचती है। तब तक ये पूरी जो कार है उसमें जितने भी सवार लोग हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। अभी हम और इसको इधर दिखाना चाहते हैं किस तरीके से ये पूरी जो गाड़ी है, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये दिल्ली की ओर जाता है यमुना एक्सप्रेसवे पर, ऐसे में जो ट्रक था वो बहुत ही गलत साइड से आ रहा था और जो कार थी वो बिल्कुल राइट ट्रैक पर थी और ऐसे में कार हिट होती है, हिट होने के साथ ही आग लगती है और आग लगने के साथ ही उसमें सवार जितने भी लोग थे, जो राजधानी लखनऊ नंबर की जो गाड़ी है उसमें सभी लोग जलकर खाक हो जाते हैं, वहीं दम तोड़ देते हैं। और ऐसे में इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन सुबह सुबह यमुना एक्सप्रेस से बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक खबर देखने को मिली है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। तो रिपोर्ट आपने देखी, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर यह जबरदस्त हादसा देखने को मिला है और हमारे संवाददाता की आपने रिपोर्ट भी देखी और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस घटना में कुल कितने लोगों की मौत हुई है, जो जिनकी मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं और हादसे का एग्जैक्ट जो कारण था वो भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल, देखिए राजीव बहुत ही दर्दनाक हादसा है, सुबह सुबह मन को खराब करने वाली खबर है। आगरा लखनऊ ये जो गाड़ी है ये लखनऊ नंबर की गाड़ी है, जिस जो स्विफ्ट डिजायर ये गाड़ी है और जिसका आउटलुक जो नज़र आ रहा है पूरी तरह से जलकर ये खाक हो गई है। दरअसल 4:10 के करीब ये हादसा बताया जा रहा है और
दिल्ली की तरफ जब यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी जब कुबेरपुर कट से 3 या 4 किलोमीटर आगे ही बढ़ी है, तभी रॉन्ग साइड से आ रहे एक नागालैंड नंबर के कंटेनर जिसमें बड़े बड़े व्हीकल रखे रहते हैं, यानी जो कार कैरेज जो कंटेनर होते हैं वो दरअसल टेढ़ा होके उसमें जाके हिट होती है गाड़ी, और बिल्कुल जो लखनऊ नंबर की गाड़ी है UP32KW6788 ये गाड़ी बिल्कुल राइट ट्रैक पर थी और दिल्ली जा रही थी और सीधे उसमें जाकर अंदर घुस जाती है। और चूंकि बताया जा रहा है कि जो बड़ा ट्रक है उसमें से डीजल लीक हो रहा था और ऐसे में बहुत तेज हिट रही होगी और अचानक से इंजन से चिंगारी उठी होगी और आग का शोला बन गई। छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे थे और वो लगातार शीशे को पीट रहे थे लेकिन उनकी पुकार कोई सुन पाता उससे पहले ही आग का शोला बन गई। ये जो खबर नितिन सामने आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटा लग जाता है फायर ब्रिगेड को और पुलिस को मौके पर पहुंचने के लिए, जिसका नतीजा ये है कि कार सवारों की जान नहीं बच सकी। शुक्रिया आपका नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।